सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीने में मिलती है। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब मनोबल गिराने वाले ही होते हैं। हमारा मकसद जीवन में सफलता प्राप्त करना अवश्य होना चाहिए, परंतु दुष्टों को असफल करने का लक्ष्य कभी ना बनाएं। आज का पंचांग 29 सितंबर 2020 दिन मंगलवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 10:33 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र रात्रि 12:48 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:14 से 4:43 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:53 से 12:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। मेरा से 29 सितंबर 2020 दिन मंगलवार, यात्रा में जटिलता जैसे दुर्घटना या चोट से आप कानूनी चिंताओं का सामना करेंगी। उस रहस्य को शेयर करें जो आपको परेशान कर रहे हैं। मेहनत करें जिससे आपको अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं। आप अभी दुश्मनों के साथ अकेला महसूस कर सकते हैं, ऐसे में परिवार का समर्थन याद रखें। आज सामाजिक कामों के लिए समय निकालें। किसी बड़ी परियोजना या व्यावसायिक प्रस्ताव की योजना को अंतिम रूप देने से बचें। व्यस्त दिन में अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आज आपके लिए वित्तीय मामले ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होंगे। पहले से ही योजना बनाना न केवल सफलता की नींव रखता है बल्कि आपको आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। आज कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। इस समय लाभ संबंधित स्थितियाँ बनी हुई है। समय का भरपूर उपयोग करें, साथ ही अपने काम के प्रति पूर्ण समर्पण आपके लिए नए उपलब्धियाँ बना रहा है। मीन राशि के लोग कभी कभी जरूरत से ज्यादा प्रधानता देते हैं और यही बातों की वजह से किसी और की समस्या सुलझाते समय वह खुद अपने लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। इसलिए आज काम करते वक्त या किसी की भी मदद करते वक्त अपनी भावनाओं को काबू में रख कर ही काम करें। परिवार के सदस्य से हुए वाद विवाद का असर आपके काम पर पड़ेगा। सावधानियां, काम की अधिकता के कारण कुछ गुस्सा हावी रहेगा, साथ ही स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में आपका सहयोग उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। लव लाइफ की बात करते हैं। मेहनत से आप अपने जीवन में रंग भर सकते हैं और इन आनंददायी पलों का पूरे दिल से स्वागत करें। अभी आप अपने आप को श्रेष्ठ और भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिसे आप सबसे अधिक प्यार करते हैं वे आपके साथ हैं। विवाद या मुकदमेबाजी से विचलित होंगे। आज के दिन आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आज आप जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करेंगे। अब आप जिंदगी में बड़ी योजनाएं बनाने और रिस्क लेने के बारे में सोचेंगे। यही नहीं, आप लव लाइफ के लिए भी कुछ बड़ा विचार करेंगे। याद रखें, रिश्ता वही सफल है जिसमें दोनों के बीच में स्पष्ट और सच्ची बातचीत हो। करियर की बात करते हैं। आज वो सब चीजें आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है जिन्हें आप लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे थे। आपकी उदासीन और अकेलापन किसी खास की कंपनी से दूर होंगे। अपने कर्तव्यों का पालन करना आप अच्छे से जानते हैं। विचारों में बदलाव आपके जीवन को बदल सकता है। अपने आप के बारे में जानना आपकी आज प्राथमिकता रहेगी।
कुछ समय सामाजिक कार्यों में भी बिताएं। महीने के अन्य दिनों की तरह आज धन संबंधित मामले आपके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। अपनी योजनाओं की शुरुआत सोच समझकर करें। भविष्य के बारे में पहले से ही सोचना जीवन की मजबूत नींव तैयार करता है। सेहत की बात करते हैं। आज आपका शारीरिक स्वास्थ्य और विचार अच्छे रहेंगे, क्योंकि आज आप आध्यात्मिकता का रास्ता अपनाएंगे। इससे तनाव कम होगा और विचारों में भी बदलाव आएगा। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आप अध्यात्म में अपना मन लगाएं, ताकि लंबे समय तक आपके अंदर मानसिक और भावनात्मक शांति बनी रहे। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी की पूजा अर्चना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।